गाइस वेब दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक न्यो प्लेजिया आई नो इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस आई पोस्टेड एनी लेक्चर ऑन यूट्यूब बट नाउ आई एम अगेन बैक विद द लेक्चर्स सो इस वीडियो में विदाउट एनी स्टार्ट करते हैं हम प्लेजिया को जो पैथोलॉजी का टॉपिक है सो न्यूप्लेजिया का मतलब क्या है न्यूथ इट मीन्स न्यू ग्रोथ ट्यूमर प्लेजिया मतलब ट्यूमर या कैंसर को बोलते हैं हम तो कोई नया ग्रोथ हो जाता है या ट्यूमर हो जाते जो कैंसर होता है उसको हम न्यूप्लेजिया बोलते हैं ये जो टर्म न्यूप्लेजिया है इसका मतलब है टिश्यूज की ग्रोथ या फिर मासिस ऑफ द टिश्यूज जो इज द रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल एक्सेसिव अनकोऑर्डिनेटेड ऑटोजोम्स एंड प्रॉपर्सलेस प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स की वजह से जो बनते हैं आप देखते हैं जब जो अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ होने लगती है हमारी बॉडी में द बेसिकली व्हाट हैपन्स कि जो कैंसरस सेल्स हैं नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी होती है कि दे लैक कॉन्टैक्ट इनिबिशन आपने आपके जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा द नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी होती है दे हैविंग कॉन्टैक्ट इनिबिशन बट द कैंसर सेल्स लैक दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्टैक्ट इनिबिशन वो मल्टीप्लाई होते, होते रहते हैं होते रहते हैं एंड दस एबनॉर्मल एक्सेसिव ग्रोथ होती है उनकी इसकी वजह से प्रोलिफरेशन ऑफ मल्टीपल सेल विच रिलेड टू द कैंसर अगर हम सब्जेक्ट देखें तो कैंसर हम किस फील्ड में स्टडी करते हैं ऑंकोलॉजी जो होती है जो सब्जेक्ट जिससे में हम ट्यूमर वगैरह से डील करते हैं इसको ऑंकोलॉजी बोलते हैं द सब्जेक्ट इट इज नोन इज ऑंकोलॉजी ओंको का मतलब है जिसमें ट्यूमर और लॉजी का मतलब है स्टडी करना मतलब ट्यूमर की स्टडी करना ऑंकोलॉजी मीन्स ट्यूमर स्टडी एंड देन देर कम्स टाइप्स ऑफ द नियोप्लेजिया नियोप्लेजिया जो है वो अलग अलग टाइप्स का होता है फर्स्ट नियोप्लेजिया कैन बी डिडेड इंटू टू ग्रुप्स फर्स्ट इज बेनाइ ट्यूमर एंड अनादर वन इज मेलेग्नेट ट्यूमर आप स्टार्टिंग से ये टंग्स सुनते आ रहे हैं बेनिग्न ट्यूमर एंड मेलेग्नेट ट्यूमर्स सो आपको जनरल एज अ गिविंग ए जनरल ब्रीफ आइडिया वस बेनाइन ट्यूमर बेनाइन टीमर इज बेसिकली जो वाइड स्प्रेड नहीं होते हैं दे आर लेस हार्मफुल एज कंपेयर टू द मेलेग्नेट ट्यूमर्स जो रैपिडली स्प्रेड होते हैं और काफ़ी हार्मफुल होते हैं तो बेनाइन ट्यूमर को हम पढ़ते हैं तो बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो स्लो ग्रोइंग होते हैं धीरे धीरे ग्रो करते हैं लोकलाइज होते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे सपोज आपको एक जगह ट्यूमर हुआ तो वहीं का वहीं रहेगा वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी बॉडी में मूव कर जाएगा सो दे आर स्लो ग्रोइंग होते हैं लोकलाइज होते हैं और बिना कोई एक डिफिकल्टी कॉज करते हैं हॉस्ट को लाइक like, अगर वो ट्यूमर है देन इट इज़ ओके इट डजेंट कॉज एनी पेन और समथिंग लाइक दैट इन द हॉस्ट बॉडी एंड ऑल्सो दे आर यूजली कैप्सुलेटेड जनरली ये वाले जो हार्म नहीं करते हैं और एक की जगह रहता है सो दिस इज अबाउट दूमर जिसमें हम देखेंगे आगे स्टिल यू है कि ये स्लो ग्रोइंग होते हैं पर्टिकुलर एक, एक की जगह पर रहते हैं हार्म नहीं करते हॉस्ट को ऑल्सो ये जो है वो यूजली कैप्सुलेटेड होता है नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेलेग्नेट ट्यूमर्स मेलेग्न ट्यूमर जो है वो प्रोलीफरेट होते हैं रैपिडली एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी बहुत मैंने कहा था ना आपको कि रैपिडली प्रोलीफरेट होंगे मेलेग्नइ ट्यूमर सो दे आर द रैपिडली प्रोलीफ्रेट ट्यूमर्स और ये रैपिडली हमारे बॉडी में स्प्रेड करते हैं आपका एक जगह ट्यूमर हुआ एंड देन इट गोज टू दिस पार्ट एंड देन इट लीज टू स्पाइन एंड समथिंग लाइक दैट तो ये ट्यूमर जो होते हैं वो एक ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज शो करते हैं विद सेलुलर ए टाइपिया ए टीपिया का मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बिना कोई टाइप का स्ट्रक्चर मतलब एक रैंडम मतलब रैंडम कोई भी सेल में आपका ग्रोथ देखने को मिलती है ऐसा नहीं है पर्टिकुलर इस टाइप की सेल में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको रैंडमली सेलुलर ए टाइप है मतलब आपको सेल का क्या टाइप है उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आपका बस सेल की ग्रोथ देखने को मिलेगी मेलिग्नें ट्यूमर जो है वो इन्वेड करता है सराउंडिंग टिश्यू को और मेटास्टेसिस हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे मतलब एक जगह वो ट्यूमर कॉज करेगा और देन इट गोज स्प्रेड टू द डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस मेटास्टेसिस बेसिकली जो प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल जो बेसिकली एक कैंसर सेल अपना जो ट्यूमर है वो दूसरी जगह जा जाके स्प्रेड कर रहा है यही प्रॉपर्टी कि वो ट्रैवल करके जा रहा है स्प्रेड कर रहा है ट्यूमर इट इज़ को हम को बोलते हैं मेटास्टेसिस तो कॉमन टर्म जो है फॉर ऑल द ट्यूमर को हम कैंसर बोलते हैं कैंसर है

कॉन्ड्रोमा एडिनोमा तो इन सब में क्या आ रहा है लास्ट में ओमा आ रहा है तो बेनाइन ट्यूमर में हमको लास्ट में ओमा देखने को मिलता है मतलब जहाँ से वो ओरिजिन टू द सेल ऑफ ओरिजिन जैसे फाइब्रो सेल फाइब्रोमा कॉन्ड्रोमा कोंड्रोसाइट, एडिनोमा दीज आर बेनाइन ट्यूमर्स के नमिन मेलिग्नेट ट्यूमर इफ़ इज सी सो मेलिग्नेट ट्यूमर ऑफ एपिथिलियल ओरिजिन जो होते हैं वो एपिथिलियल ओरिजिन वो डेजिग्नेटेड होते हैं बाय एडिंग कैर्सिनोमा टू द सेल ऑफ ओरिजिन इसमें हम कैर्सिनोमा लगाते हैं टू द सेल ऑफ ओरिजिन दे आर स्क्वेमस सेल कैर्सिनोमा एडिनो कैर्सिनोमा, बेसल सेल कैर्सिनोमा, आपके लास्ट में कैर्सिनोमा कैर्सिनोमा आएगा दैट मीन्स आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर है आपको कोई भी ट्यूमर दे दिया और आपको डिफ्रेंशिएट करना है वेदर इट इज जस्ट टेल वेदर इट इज बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर सो हाउ यूल डिफ्रेंशिएट बेसिकली बेनाइन ट्यूमर एंड विद ओमा एंड मेलीगनेंट ट्यूमर एंड विथ कार्सिनोम जहां जहाँ कार्सिनोमा आ रहा है दैट मीन्स मेलीग्रेंट ट्यूमर दैट इज स्क्वायर सेल दट इज स्क्वामस सेल कैरसिनोम एडिनो कैरसिनोम अबेसल सेल कैरसिनोम सो दीज आर द मेलीग्रेंट ट्यूमर्स मेलेग्नेट ट्यूमर जो है वो मीजन का ये हमने देखे थे एपिथिलियल सेल के मेलेग्नेट ट्यूमर अगर मेलेग्नेट ट्यूमर आपके मीजन का एमल में है जैसे एपिथिलियम मीजन का एमल ऑरिजिन है उसका तो वो उसको हम डे, डे, कैसे डेजिग्नेट करेंगे उसके लास्ट में सार्कोमा आएगा इसमें लास्ट में, में सार्कोमा सार्कोमा आएगा तो सो हाउ विल से दिट दिस इज सार्कोमा ऑस्टियो सार्कोमा बोन से हो रहा है फाइब्रोमा फाइब्रोसार्कोमा रेपडोसारायोसारकोमा सो दीज आर दार्कोमास जहाँ सार्कोमज आ रहा है दैट मीन्स वो मेलो जहाँ देखो कैरसिनोमा आ रहा है वो भी मेलिग्नेट ट्यूमर है जहाँ कार्सिनोमा आ रहा है वो भी मेलिग्नेट ट्यूमर है दी इज बोथ आर मेलिग्नेट ट्यूमर डिफरेंस क्या है दोनों में लाइक like, अगर कैरसिनोमा आ रहा है तो वो एपिथिल ओरिजिन का होगा सार्कोमा आ रहा है दैट मीन्स वो मीजो मीजो मीजन कैमल ओरिजिन का होगा सर्टेन ट्यूमर सेल जो हैं वो मोर देन एक जम ऑरिजिन शो करते हैं इनको मिक्स ट्यूमर्स कहते हैं लाइक प्ल्यूरोमॉर्फिक सलाइवरी एडिनोमा एंड प्लोमार्फिक सलाइवरी एडिनो कार्सिनोमा अब यहाँ पे आपके एडिनोमा आ रहा है तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा कि ये वाला जो है वो बेनाइन ट्यूमर होना चाहिए था ना इसमें कैरसिनोमा आ रहा है ना सार्कोम आ रहा है स्टिल ये वाला मेलेग्नेंट ट्यूमर में आएगा सो so, ये मिक्स ट्यूमर हैं बेसिकली देर नॉट दे आर नॉट आइदर इसमें ये दिस एग्जाम्पल प्लेरोमार्फिक सलाइवरी एडिनोमा जिस एग्जाम्पल कैन कन्फ्यूज यू वेदर इट इज बेनाइन ट्यूमर और uh, डिफरेंट लाइक यू कैन कन्फ्यूज़ इन मलेग्नेंट ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर बट इट इज़ प्लियोमार्फिक सलाइवरी एडिनोमा इट इज़ मिक्स ट्यूमर ये देखिए ये ना तो लाइक मतलब मोर देन इसका ऐसा भी नहीं है कि एपिथीलियल ऑरिजिन है ना ही मीजे मीजोथीलियल ऑरिजिन है इसका एपिथीलियल मीजन का अमल दोनों ओरिजिन जो होते हैं मिक्सड हो, जो टाइप के ट्यूमर होते हैं दट इज़ प्लेरोमोरफिक सेलाइवरी एडिनोमा एंड ऑल्सो इसके एग्जाम्पल से प्लेरोमोरफिक सलाइवरी एडिनोकार्सिनोमा एंड एडीरो उसके अलावा हम कैर ट्यूमर्स की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि आपको अगर ट्यूमर हो गया तो बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या, क्या 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 उसमें फीचर्स होते हैं उसके तो मॉर्फोलॉजिकल फ़ीचर्स देखते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी दिखने में कैसा होता है ट्यूमर सो बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो स्पेरिकल होते हैं ओवोइड होते हैं कैप्सुलेटेड होते हैं फॉर्म होते हैं और एक रेगुलर शेप के होते हैं आप उनको देखेंगे तो छोटे छोटे स्पेरिकल्स टाइप के स्पेरिकल जैसे देखने को मिलेंगे ओवॉइड कैप्सुलेटेड मैंने कहा था ना कैप्सुलेटेड होंगे वो हार्म कॉज नहीं करेंगे फॉर्म होंगे एंड ऑफ रेगुलर शेप के होंगे और जो मेलिग्न ट्यूमर्स हैं वो इरेगुलर होंगे पुअरली सर्कम्स्क्राइबड होंगे जो काफ़ी जैसे आपने कहा रेंडम दे आर यूज टू मेटास्टेटाइज दे आर काइंड ऑफ इरेगुलर इरेगुलर ट्यूमर्स होते हैं और सर्कमस्क्राइब भी पुअरली होते हैं वो वो सॉफ्ट से फॉर्म भी हो सकते हैं ऐसा नहीं है लाइक जो बेनाइन ट्यूमर्स है वो हमारे एकदम फेम एकदम कड़क ट्यूमर्स है एंड ये जो है हमारे सॉफ्ट टू फॉर्म देखने को मिलता है इन कंसिस्टेंसी एंड शो सेकेंड्री चेंजर उसके अंदर हमको सेकेंडरी चेंजेस देखने को मिलते हैं ये तो हमने ट्यूमर को मॉर्फोलॉजी देख लिया कि बेनाइन ट्यूमर स्फेरिकल था मेलीग्रन ट्यूमर हमारा इरेगुलर था उसके ऊपर कैप्सूल नहीं था उसमें बेनिनमेट कैप्सूल था दीज और द डिफरेंसेस हमने जो देखे मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद हमारे पास आते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स सो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में सबसे पहला हमारा फीचर रहता है कि अगर हम उसको डिटेल में देखें माइक्रोस्कोपिक फ़ीचर्स देखें तो सबसे पहला आता है पैटर्न ऑफ ग्रोथ कि वो ट्यूमर में ग्रोथ कैसे हो रही है लाइक अगर हम उसको एनालिसिस करें उसके सैंपल को तो ग्रोथ कैसे हो रही है उसमें तो ये सजेस्ट करता है कि जो सेल ऑरिजिन होता है अगर ट्यूमर का फॉर एग्जाम्पल एसाइनी ग्लैंड शीट्स कॉर्ड अलग अलग ऑरिजिन हो सकता है ट्यूमर का बेसिकली एसाइनी फॉर्म में हो सकता है शीट्स होता है कॉर्ड हो सकता है ग्लैंड फॉर्मेशन हो सकता है ये इंडिकेटिव हैं ट्यूमर्स के ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन ये हमारे एपिथेलियल ओरिजिन के ट्यूमर्स के इंडिकेटिव हैं जो ट्यूमर अराइज होते हैं जो फ्रॉम मिजनकामल ऑरिजिन जैसे कोलाइजन सजेस्टेड है ट्यूमर ऑफ द मिजनगैमल ऑरिजिन अगर जैसे आपने देखा कि कोई कोलाइजिन से ट्यूमर हो रहा है लाइक ऑस्टियोइड ऑरिजिन है उसका दैट मीन्स वो काइंड ऑफ मिजनकैमल ऑरिजिन है और जो हमारे नहीं से शीट uh, से कॉड्स से ग्लैंड फॉर्मेशन एसाइनी दिज ऑल ये सब जो है हमारे मीज ये हमारे एपिथिलियल ऑरिजिन से हैं सर्टेन ट्यूमर जो है वो मिक्स पैटर्न के होते हैं उसमें मिक्स पैटर्न के सेल्स देखने को मिलता है अगर आप देखेंगे उसके सेल्स को तो फॉर एग्जांपल प्लूरोमॉर्फिक एडिनोमा ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो मैंने आपको बोला था एक मिक्स टाइप का ट्यूमर है प्लूरोमॉर्फिक एडिनोमा ऑफ सलाइवरी ग्लैंड या फिर मिक्स सलाइवरी ट्यूमर बोल सकते हैं आप इसको इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट माइक्रोस्कोपी में देखें तो पोलैरिटी कैसी होती है इसके अंदर आप माइक्रोस्कोपिक फ़ीचर में पोलैरिटी कैसी देखने को मिलती है तो सेल पोलैरिटी जो है वो रेफर्स टू द डिफरेंस इन शेप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ़ अ सेल लाइक आपका सेल का स्ट्रक्चर फॉर शेप फंक्शन में क्या डिफरेंस आ रहा है बेनाइन ट्यूमर जो है वो द पोलैरिटी ऑफ द सेल जो है वो मेंटेन होती है जबकि मेलेग्नेट ट्यूमर जो होता है उसमें पोलैरिटी ऑफ़ द सेल्स जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है तो बेनाइन ट्यूमर्स में हमने क्या देखा कि जो पुल सेल की पुलैरिटी है वो एकदम अच्छे से मेंटेन रहती है हमने देखा था ये स्फेरिकल होते हैं रेगुलर होते हैं कैप्सुलेटेड होते हैं so, है, हाँ, सो हम हाँ कह सकते हैं आप इन सब फीचर से याद रख सकते हैं कि उसके अंदर सेल की जो पोलैरिटी है वो मेंटेन रहती है जबकि क्या होता है जो मेलिग्न ट्यूमर्स हैं वो इनरेगुलर टाइप के होते हैं और उनमें सेल की जो पोलैरिटी है वो मैंटेन नहीं, नहीं रहती है वो लॉस्ट हो जाती है न्यूक्लियाई जो है वो एपिथेलियल सेल के वो ओरिएंटेड होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस जिसको हम कैसे जिसको हम टर्म कहते हैं बेसल पोलैरिटी तो उसके बाद हम देखेंगे पोलैरिटी के बाद हमारा नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक फीचर इज डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डिसैम्बलन का एक्सटेंट लाइक कितना एक्सटेंट है मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डिसैम्बलेंस ऑफ पैरन का ऑफ पेरन का एमल ट्यूमर सेल टू करस्पॉन्डिंग नॉर्मल सेल्स जो करस्पॉन्डिंग नॉर्मल सेल्स के के करस्पॉन्डिंग जो पेरेंट कैमल सेल्स पेरेंट का ट्यूमर सेल्स हैं उसका कितना एक्सटेंट है मतलब कितना सिमिलरिटीज़ आपको देखनी है मॉर्फोलॉजी और फंक्शनल सिमिलेरिटीज दिख रही है आपको उस सेल्स के अंदर तो इसको हम डिफरेंशिएशन को हम डिवाइड कर सकते हैं वेल डिफरेंशिएटेड हो सकती है वो पोअरली डिफरेंशिएट हो सकती है और अनडिफ्रेंशिएट हो सकती है याद रखिएगा कि मतलब ये ट्यूमर में डिफ्रेंशिएशन आपको तीन टाइप का हो सकता है वेल डिफरेंशिएटेड पोअरली डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफ्रेंशिएटेड वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर जो होते हैं उसमें अगर डेविएशन होगा न्योप्लास्टिक सेल्स का स्ट्रक्चर uh, न्यूपलास्टिक सेल्स जो होती हैं इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वो मिनिमल होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स नॉर्मल सेल्स के कम्पेरेटिव जो न्यूप्लास्टिक जो हमारे कैंसरस सेल्स हैं उनका जो मिनिमल होता है डेविएशन एंड द ट्यूमर सेल द ट्यूमर इज डेजिगनेट एज वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर ऐसे ट्यूमर को हम क्या बोलेंगे वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर लाइक आप अच्छे से उसको डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं जिसमें न्यूप्लास्ट प्लास्टिक और जो स्ट्रक्चर होता है उसका वो मिनिमल होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल लाइक like, आपको ऑल जैसे ऑलमोस्ट एक जैसे ही आपको आप प्रॉपरली उसको डिफरेंशिएट कर लाइक like, उसके उसका जो डेविएशन है न्यो प्लास्टिक सेल्स का मतलब लाइक like, आप एक नॉर्मल सेल को देखेंगे और एक कैंसरस सेल्स को देखेंगे न्यू प्लास्टिक सेल्स को देखेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर और जो दिखने में फंक्शन होगा उसका वो बेसिकली उसके डेविएशन मतलब उसमें डेविएशन नहीं होगा वो जैसे दिख रहा होगा ना एक नॉर्मल सेल ऑलमोस्ट वैसा ही देखने को मिलेगा तो इसको हमको बोले अच्छे से डिफरेंशिएटेड है मतलब वो आपको लाइक वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर फॉर एग्जाम्पल मोस्ट बेनाइन ट्यूमर होते हैं लो ग्रेड मेलेगनेंट ट्यूमर्स होते हैं तो इस वजह से हम कहते हैं ना लाइक कई बार बेनाइन ट्यूमर जो है मेलिग्नेट ट्यूमर आपके डिटेक्ट हो जाते हैं बेनाइन ट्यूमर्स वाई समटाइम्स दे वॉन्ट डिटेक्ट बिकॉज दे आर वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स एंड वेल डिफरेंशिएट ट्यूमर्स क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर फंक्शंस जो हैं वो आपके एक नॉर्मल सेल से मिलता जुलता और ऑलमोस्ट बोलते हैं ना लाइक काइंड ऑफ हॉमशकल्स सो यू वॉन्ट कैच दैम इजीली सो दे आर वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर्स मोस्ट बेनाइन ट्यूमर्स जो लो ग्रेड मेलेग्नेट ट्यूमर्स भी आ सकते हैं इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पुअरली डिफरेंशिएटेड या अनडिफ्रेंशिएटेड तो उसके बाद दो कैटेगरीज हैं तो ये ट्यूमर जो होता है वो पुअर डिफरेंशिएशन शो करती है स्ट्रक्चरल फंक्शन डिसैम्बलेंस में मतलब जो इसका डिसैम्बलेंस है बेसिकली कि उसकी तरह की मतलब नॉर्मल सेल की तरह दिखने और जैसी प्रॉपर्टी वो ऐसे इनकी है ही नहीं वो बहुत उसमें बहुत पुअर हैं ये लोग तो अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर जो है वो शोज करता है मार्केटलेटली डिफरेंशिएशन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिसम्बलेंस जिसे जो अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर होगा ना आप उसको देखते ही पता लगेगा लेकिन

पोअरली अन पोअरली डिफरेंशियटेड जो होते हैं मेलेगनेंट ट्यूमर्स हैव हाई डिग्री ऑफ एनाप्रेशर जो जो मेलेग्नेट ट्यूमर्स पोअरली डिफरेंशियटेड होता ना मतलब बोलते ना आपको ईजीली दिख रहे हैं अनडिफरेंट पोअली डिफरेंशिएटेड का मतलब है अनडिफ्रेंशियटेड जो ट्यूमर्स हैं जो मतलब डिफरेंट दिख रहे हैं आपको नॉर्मल सेल के कम्पेरेटिव तो पोअरली डिफरेंशिएटेड जो मेलेग्नेंट ऐसे अनडिफ्रेंशिएटेड पोअल डिफरेंशिएटेड टाइप के जो मेलेग्रेन ट्यूमर्स होते हैं उसमें हाई डिग्री ऑफ एनापोलेजिया देखने को मिलता है like, लाइक पहले उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा होता है सेल्स का ये मेलीग्रेन ट्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अगर हम साइज एंड शेप का देखें क्योंकि माइक्रोस्कोपिक फीचर्स पढ़ रहे हैं हम उसके अंदर उसके साइज शेप और तो देखें तो वो कैसा होता है जो बेनाइन ट्यूमर है हमने आपको बोला था स्पेरिकल्स और रेगुलर टाइप के होते हैं यूनिफॉर्म साइज होता है मेलेग्नेट ट्यूमर जबकि वो है एनिसोसाइटोसिस शो करते हैं ऑफ सेल्स का मतलब एनिसोसाइटोसिस शो करते हैं एंड ऑल्सो दे वेरिएशन इन शेप इसको हम क्या बोलते हम हैं प्लियोम्फिक्स हम बोलते हैं ना सेल्स एकदम प्लियोमार्फिक रैंडम दिख रहे हैं दैट दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्स सो प्लीओमार्फिक कंडीशंस जो हम बोलते हैं तो मेलेग्नेट ट्यूमर जो है वो एनिसोसाइटोसिस शो करते सेल्स का एंड वेरिएशन इन शेप इसको हम बोलेंगे प्लियोम सो आई होप शेप एंड साइज साइज एंड शेप ऑफ द सेल्स गॉट क्लियर टू यू

Giant cell देखने को मिलेगी एक्चुअली मिलेगी वो साइटोप्लाज साइटोप्लाजमा एज अपियर इन नॉर्मल सेल इसके अंदर जैसे में आपको देखने को मिलता है वैसे बेनाइन सेल्स में मिलेगा अब हम देखें मेलेग्नेंट ट्यूमर में न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म का रेशियो किस तरह से चलता है तो मेलेग्नेंट सेल जो है वो एनिसो बेसिकली उसमें एनीसो न्यूक्लियोसाइटोसिस देखने को मिलता है एनीसो देखने को मिलता है कोर्स क्लम्प क्रोमेटिन देखने को मिलता है उसमें तो आपको फाइन क्रोमेटिन देखने को मिलता था इसमें आपको कोर्स क्लम्बड क्रोमेटिन देखने को मिलता है एंड प्रोमिन न्यूक्लिया न्यूक्लियोलाई देखने को मिलते हैं माइटोटिक फिगर्स और ए टिपिकल माइट्रो उसमें तो हमने बोला था माइटोटिक जो है वो इन सिग्निफिकेंट था इसमें माइटोटिक फिगर्स और ए टिपिकल और फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है माइलिग्नेंट में हमने कहा था ना डिवाइड होते रहते हैं वो तो माइलिग्नेट में आपको देखने को मिलेगा एविडेंट होंगे उसमें हमने बोला था बैराइन में जाइंट सेल्स और मल्टीन्यूक्ट कंडीशन नहीं देखने को मिलती है जबकि मेलेग्नेंट ट्यूमर में आपको जाइंट सेल देखने को मिलेंगे और दे आर एविडेंट इन मैनी मेलिग्नेट ट्यूमर्स मेलिग्नेंट सेल जो है वो शो करते हैं स्कैंटी इस साइटोप्लाज्मा इसके अंदर आपको साइटोप्लाज्मा है उसके कम अमाउंट में देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है कि आपको प्ल प्लेंट, लार्ज प्लेंटी अमाउंट में दिख कर रहा हो जैसे हमारे बेनाइन ट्यूमर्स थे क्योंकि बिक तो उसमें आपको एक नॉर्मल जैसे नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्मा होता है वैसा देखने को, को मिलता है जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर में आपको जो साइटोप्लाज्म है उसकी कमी होती है दैट इज स्केंटी होता है वो एंड वेरियस इंक्लूजन बॉडीज और आपको आपको न्यूक्लियस में इंक्लूजन में इंक्लूजन बॉडीज़ देखने को मिलेंगी तो दीज आर द मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑल्सो वेनाइन ट्यूर्मर में अगर हम देखें तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो वेल मेंटेन रहता है और जबकि मेलीग्रेन सेल में जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मा का रेशियो जो है वो काफ़ी हाई होता है मतलब न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मा मतलब न्यूक्लियस जो है वो अमाउंट में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्मा क्योंकि न्यूक्लियस बड़ा होता है उसके अंदर का और साइटोप्लाज्मा है वो कंपेरेटिवली छोटा होता है मैंने बोला था ना साइटोप्लाज्मा स्केंटी हीयर साइटोप्लाज्मा काफ़ी छोटा होता है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इज वेरी हाई सो न्यूक्लियर आर इलार्ज एंड डिसपोर्शनेट टू द सेल साइज़ सो दैट द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है फ्रॉम नॉर्मल रेशियो से और नॉर्मल रेशियो कितना होता है हमारा नॉर्मल रेशियो अगर आप सेल को देखोगे तो नॉर्मल रेशियो होता है वन इज़ टू फाइव लेकिन जो मेलिकुलर ट्यूमर हो जाता है ना उसके अंदर नॉर्मल uh, रेशियो हमारा हो जाता है तो मेलिकुलर ट्यूमर में हमारा न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो हो जाता है वन इज़ टू वन सो दैट्स दैट्स अ डिफरेंस एंड uh, उसके बाद हमारे पास होता है एनीसो न्यूक्लियोसिस सो जस्ट लाइक सेलुलर प्लेमारफिजम द न्यूक्लिया जो है वो हमारे वेरिएबल साइज शेप शो करते हैं हमने बोला था ना पूरी सेल एनिसोसाइटोसिस मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल की जो शेप चेंज देखने को मिलते हैं एनीसोसाइटोसिस वैसी एनिसो न्यूक्लियोसिस जैसे भी हमने न्यूक्लियस की शेप में चेंजेस देखने को मिलेंगे जैसे सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है वैसी न्यूक्लियाई जो है वो भी हमारे वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइज शेप शो करता है इन मेलिग्नेट ट्यूमर्स सो दिस इज द साइज शेप इज दिस न्यूक्

लेकिन ये जो किस वजह से होता है दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स रिजल्टिंग इन द डार्क स्टेनिंग ऑफ द न्यूक्लियर हाइपर क्रोमेटिज्म सो उसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियर चेंजेस मेलिग्नेट सेल जो है वो फ्रीक्वेंटली हैव न्यूक्लियोलस एज कंपेयर टू द बेनाइन सेल्स हमने बोला था मेलिग्नेंट सेल्स में साइटोप्लाज्मा के रेशियो कम होता है एज कंपेयर टू द न्यू बेनाज कम्पेयर टू द न्यूक्लियस सो वी कैन से द मेलिगनेंट सेल्स फ्रिक्वेंटली हैव अ न्यूक्लियोलस एज कंपेयर टू द बेनाइंट सेल्स माइटोटिक फिगर्स वी सी सो द पेरेंट कैमल सेल्स जो होते हैं वो पोअर्ली डिफरेंशिएटेड होते हैं ट्यूमर्स की ऑफन शो लार्ज नंबर ऑफ माइटोसिस एज कंपेयर टू द बेनाइन ट्यूमर्स जो मेलिग्नेंट के आप देखोगे तो उसके अंदर जो मैंने बोला था वो पोअर् डिफरेंशिएटेड होते हैं पोअर्ली डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है ये नहीं है आप उसे टर्म्स अराउंड कन्फ्यूज कि पोअल डिफ्रेंशिएटेड डिट नहीं कर पाओ नहीं लाइक like, like, वो अपने बाकी से तो सेल्स के कर सकते हो सो लार्ज नंबर ऑफ ट्यूमर्स फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखें लोकल इन्वेजन इन सराउंडिंग टिश्यूज को हम देखें तो बेनाइन तो ट्यूमर जो होते हैं वो कंप्रेशन फिनोमेना शो करते हैं जो सेकेंडरी चेंजेस लाइक जैसे हेमरेज हो गया हमारा नेक्रोसिस हो गया टिश्यू की डेथ हो गई इन्फ्लेमेशन हो गए ये सब जो है यार लेस ऑफन होते हैं बेनाइन ट्यूमर्स में बेनाइन ट्यूमर जो है उसमें एबिलिटी नहीं होती है कि वो इन्वेट कर सके नेबरिंग टिश्यू को या फिर मेटास्टेटाइज कर सके ऐसा नहीं करता है बेनाइन ट्यूमर वो जो है वो मास अफेक्ट शो करता है

ट्यूमर अफेक्ट कैसे करेगा कि आपका एक जगह ट्यूमर 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 होता गया तो आपके सराउंडिंग जो टिश्यूज हैं उसका वेट जो है वो उसको कंप्रेस करता करता जाएगा और यही चीज़ कंप्रेशन जो है वो नर्व को डैमेज कर देगा और ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है मेलेग्नेट ट्यूमर जो है वो इन्वेजन शो करते हैं लाइक वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फैलते रहते हैं बॉडी में इन द सराउंडिंग टिश्यूज यूजुअली एक्म्पनाइड बाय सेकेंडरी चेंजेस उसमें आपको सेकेंडरी चेंजेस देखने को मिलते हैं और वो स्प्रेड हो जाते हैं तो अदर साइड इन द बॉडी जैसे मेटास्टेसिस कहते हैं एंड देन देयर कम्स द ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट इज व्हाट की द ग्रोथ रेट ऑफ द ट्यूमर जो डिपेंड करती है अपॉन द सेल डिवीज़न पे डिपेंड करती है ग्रोथ रेट की सेल डिवीज़न पे डिपेंड करती है सेल डिस्ट्रक्शन रेट पे डिपेंड करती है और नॉन नियोप्लास्टिक एलिमेंट्स जैसे स्ट्रोमा हो गए सीक्रेशन इन फ्लूड एक्सेट्रा उसके अलावा डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन इफ़ वी सी सो डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कैसा होता है बेनाइन ट्यूमर जो है वो यूजली स्लो ग्रोइंग होते हैं वैल्ड मेलेग्नेट ट्यूमर्स ग्रो जो होते हैं वो वेरी फास्ट होते हैं आप देख सकते हैं कि मतलब जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो बहुत स्लो धीरे धीरे ग्रो कर देते हैं जो कि मेलेग्नीट ट्यूमर आपकी बॉडी में रैपिडली स्प्रेड होता है तो वो फास्ट होता है मेटास्टेसिस वी सी सो मेटास्ट्रेसिस स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर होता है दूर मेटा मतलब वो चल के जाते हैं like तो मेटास्टेसिस मेटा meta का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेसिडेंस मेटास्टेसिस जो है उसको हम डिफाइन करते हैं कि स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर बाई इन्वेजन इन सच अ वे कि डिसकंटिन्यूस सेकेंडरी ट्यूमर मास या फिर मासिस फॉर्म हो, होने लग जाते हैं एंड द साइड ऑफ द लॉजमेंट जहाँ पर वो ट्यूमर गया है द साइड ऑफ द लॉजमेंट मेटास्टेसिस जो है एंड इन्वेजिवनेस आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डिस्टिंग्विश दो आप बोलोगे अगर आपसे कोई पूछे कि दो चीज बताओ मेरे को बेनाइन टूम ट्यूमर से अलग कैसे तब क्या बोलोगे मेलेग्नेट ट्यूमर की क्या मतलब वो है उसका फीचर है स्पेसिफिक फीचर कि उसमें आपको मैटास्टेजिस देखने को मिलता है और साथ ही वो इन्वेजिव है काफी सो दीज आर जो आपको मेलेग्नेट ट्यूमर से डिस्टिंग्विश करती है benign tumor को बेलियाइन ट्यूमर जो है वो मेटास्टेसाइज नहीं करते और मेलिग्नेट ट्यूमर जो है वो फ्यू मतलब फ्यू एक्जैप्शंस है बस उसमें जैसे ग्लाइमा ऑफ सी एन एस बेसल सेल ऑफ स्किन ये जो है वो मेट कैन मेटास्टेटाइज और ऐसा भी नहीं कि मेलिगनेंट अगर सब मेटास्ट करें जैसे और मेलीग्रेंट ट्यूमर जिसमें कुछ एक्जैप्शन हैं ये बाकी मेलिग्रेंट ट्यूमर जो है वो हमारे मेटास्टेजाइज कर सकते हैं एक्जेप्ट गाइकोमा ऑफ सी एन एस बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन ऑल्सो मेटास्टेसिस ऑफ मेलिग्नेट ट्यूमर जो है इज़ ऑल्सो यूज इन प्रोग्नोटिक प्रोग्नोस्टिक मार्कर जो मेटास्टेसिज होता है जो मेलिग्नेंट ट्यूमर का इसको हम प्रोग्नोसिस मार्कर में भी यूज़ कर सकते हैं लाइक आप पैर डिजीज डिटेक्ट कर सकते हो अगर वो कोई मेटास्टेसिस कर रहा है वो ट्यूमर है एक जगह से अलग जगह मेटास्टेसिज कर रहा है दैट मीन्स आप उसको ट्रीटमेंट और अर्ली प्रिवेंशन के लिए यूज़ में ले सकते हो सो दिस इज़ डन विद द neoplasia I आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी कैक्वायरी है रिगार्डिंग न्यू प्लेजिया के बारे में सो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ऑल्सो फील फ्री टू आस्क मी एंड कमेंट मी ऑन द माई कमेंट सेक्शन और लाइक माई इंस्टाग्राम और द डिफरेंट प्लेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सो आई होप यू गॉट इट सो गाइज बाय लाइक सी या इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल भी बैक विद अनादर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो